अस्सलाम वालेकुम बिरादर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने अभी अपनी डिग्री मुकम्मल की है कस्ट से। तो कई दफ़ा सवाल आते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है और स्कॉलरशिप्स वगैरह कैसे मिलती हैं। फीस स्ट्रक्चर तो मैं एग्जैक्टली डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो हर डिग्री का अलग अलग होता है, तो वो मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो कि है kust.edu.pk। आई होप आई एम राइट। लेकिन इस वीडियो में मैंने मेनली स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करना था। मेजरली दो किस्म की स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं आपको कस्ट में। सबसे पहली है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी है पीजीसी बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि जो लोग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। हमारे बैच में ये था कि पंजाब कॉलेज वालों के लिए 25% ऑफ था इनिशियली, और इसकी कंटिन्यूएशन की कंडीशन ये थी कि हर सेमेस्टर में वो 2.5 से ऊपर जीपीए लेंगे। अगर जीपीए किसी भी सेमेस्टर में 2.5 से नीचे रह गया तो उस सेमेस्टर में उनको वो वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और दूसरी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो इंटरेस्टिंग है, वो आपके एफएससी के मार्क्स के बेस पे स्टार्टिंग में दी जाती है। हमारे बैच में 40% स्कॉलरशिप ऑफर की गई थी अगर आपका एडमिशन के वक्त 75% अबव मार्क्स थे एफएससी में, और ये 40% स्कॉलरशिप कंटिन्यू होने की कंडीशन ये थी कि हर सेमेस्टर में आपने 3+ जीपीए मेंटेन करना है। अभी मैं अपने बैच का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि हर दफा ये वाली कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन मेनली आपको मैंने आइडिया दे दिया कि मेरिट स्कॉलरशिप किस तरह काम करती है और पीजीसी वाली किस तरह काम करती है। पीजीसी वाली आई थिंक मोर और लेस सेम ही रहती हैं। अब दो स्कॉलरशिप्स ही हो गई, लेकिन उसके अलावा हर सेमेस्टर में टॉप 3 पोजीशंस भी देखी जाती हैं आपकी डिग्री के अंदर, आपके बैच के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, अगर किसी का जीपीए 4 है तो वो फर्स्ट कंसिडर होगा, उसको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी उससे अगले सेमेस्टर की फीस में। तो इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर 4 जीपीए है तो 75% ऑफ, उसके बाद जो पोजीशन है उसकी 60% ऑफ, और उसके बाद जो पोजीशन है उसकी 50% ऑफ। सेमेस्टर में पोजीशन लेने की वजह से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो ओवर रूल करती है आपकी दूसरी किसी भी स्कॉलरशिप को। ओवर रूल से मतलब है कि अगर मुझे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है पोजीशन की वजह से तो वो मिलेगी, और 40% वाली उस दफा या जो भी थी दूसरी वो वाली उस दफा काउंट नहीं होगी। ये सारी कंडीशंस भी मेंशन है वेबसाइट पे, उसका लिंक भी मैं आपको सेपरेट तरीके से दे दूंगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत होती है। तो पीजीसी मेरिट और पोजीशन बेस्ड स्कॉलरशिप के अलावा किनशिप भी होती है कि अगर आपका पहले से कोई सिबलिंग पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में तो उस सूरत में भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशन मिलता है। मुझे एग्जैक्टली उसका पता नहीं है लेकिन मिलता है, तो वो पता करके आप अचीव कर सकते। एक और कैटेगरी है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, लेकिन उसकी कोई खास सॉलिड स्ट्रेटेजी मुझे पता नहीं है, उसके बारे में आप यूनिवर्सिटी में कहीं फैकल्टी वगैरह से पता कर सकते हैं ज्यादा अच्छा। लेकिन उसमें डिपेंड करता है हर एक केस सिनेरियो पे कि क्या वाकई वेरीफाइड है यूनिवर्सिटी के लिए, तो फिर मिल सकती है। अच्छा, स्कॉलरशिप पे मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की फीस है वो काफी ज्यादा है, और सिर्फ ये हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री आप ले लें तो अच्छी खासी फीस होती है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी फीस जो है उसके लिहाज से वर्थ इट होती है डिग्री। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो कर सकता है, उसकी मर्जी है। अगर किसी को जरूरत है तो स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, तो इस लिहाज से मुझे ये बेहतर लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट ये स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होती होंगी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पता था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। उम्मीद है कि किसी का फ़ायदा हो जाएगा, किसी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्कॉलरशिप्स कैसे उनको मेंटेन करना है, अचीव करना है। तो कंक्लूड करते हुए अगर हम डिफरेंट स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया फिर से रिवाइज कर लें, किनशिप वाली जो है कि अगर आपका पहले से कोई सिबलिंग वहाँ पे है उसके लिए तो आपको कोई जीपीए आई थिंक मेंटेन नहीं करना होगा। जहाँ तक पीजीसी वाली है उसमें आपको एक सर्टेन जीपीए मेंटेन करना होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल में तो। और जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए भी आपको एक अच्छा खासा जीपीए मेंटेन करना होता है, वो आप कह सकते हैं कि एक मुश्किल टास्क है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप रेगुलर क्लासेस वगैरह लेते रहना और फजूल हरकतें ना करें तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। और जहां तक सेमेस्टर में रिजल्ट की बेस पे जो स्कॉलरशिप है वो तो रिजल्ट की बेस पे ही मिलती है और उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है। वो अगर आपने एक सेमेस्टर में 4 जीपीए लिया तो आपको 75% ऑफ मिल जाएगा, अगले में अगर आपकी पोजीशन नहीं आई तो 0%, या अगर आपने मेरिट स्कॉलरशिप ली हुई है तो उसके लिए आसे चलेगा। मेरे ख्याल में तो सम अप हो गया है ये वाला टॉपिक यहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूं, वरना फिर ये कि इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो बैक का मैं नहीं कह रहा लेकिन फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप किसी और टॉपिक पे मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप बता सकते हैं, जो मुझे समझ आएगा उस पर बना दूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।